लक्ष्मी हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी है। वह भगवान विष्णु की पत्नी है। पार्वती और सरस्वती के साथ वह त्रिदेवियों में से एक है और धन, संपदा, शांति और समृद्धि की देवी मानी जाती है। दीपावली के त्योहार में उनकी गणेश सहित पूजा की जाती है। इनका उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद के श्री सूक्त में मिलता है। गायत्री की कृपा से मिलने वाले वरदानों में एक लक्ष्मी भी है, जिस पर यह अनुग्रह उतरता है। वह दरिद्र, दुर्बल एवं पिछड़ेपन से ग्रसित नहीं रहता। स्वच्छता एवं सुव्यवस्था के स्वभाव को भी श्री कहा गया है। यह सद्गुण जहाँ होंगे वहाँ दरिद्रता, कुरूपता टिक नहीं सके। अतः पदार्थ को मनुष्य के लिए उपयोगी बनाने और उसकी अभीष्ट मात्रा उपलब्ध करने की क्षमता को लक्ष्मी कहते हैं। वैसे तो प्रचलन में लक्ष्मी शब्द संपत्ति के लिए प्रयुक्त होता है, पर वस्तुतः वह चेतना का एक गुण है, जिसके आधार पर निरुपयोगी वस्तुओं को भी उपयोगी बनाया जा सकता है। मात्रा में स्वल्प होते हुए भी उनका भरपूर लाभ सत्प्रयोजनों के लिए उठा लेना एक विशिष्ट कला है। अतः वह कला जिसे आती है उसे श्रीमान कहते हैं। शेष अमीर लोगों को धनवान भर कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया, लेकिन उनके मन में विष्णु जी थे, जिन्हें वो पति स्वीकार कर चुकी थी। नारद मुनि चाहते थे कि उनका विवाह लक्ष्मी जी से हो। फिर नारद जी ने सोचा कि यह राजकुमारी हरि रूप पाकर ही उनका वरण करेगी। तब नारद जी को एक तरकीब सूझी और वो विष्णु जी के पास मदद मांगने के लिए गए। जब नारद जी ने अपनी इच्छा विष्णु जी के सामने जताई तो उन्होंने उन्हें हरि रूप दे दिया। यह रूप लेकर जब वो स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। लक्ष्मी जी ने नारद को छोड़ विष्णु जी के गले में वरमाला डाल दी। इस पर नारद जी बेहद उदास हो गए। वे लौट ही रहे थे कि रास्ते में एक जलाशय में उन्होंने अपना चेहरा देखा। उन्होंने देखा कि उनका चेहरा बंदर जैसा हो गया था। कहा जाता है कि हरि का एक अर्थ वानर भी है, इसलिए विष्णु जी ने उन्हें वानर रूप दे दिया। उन्हें विष्णु जी का छल समझ आया। तत्पश्चात उन्होंने क्रोधित होकर भगवान को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि भगवान हरि को मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। महालक्ष्मी देवी के अनेक रूप है, परंतु इनमें से उनके 8 स्वरूप जिनको अष्टलक्ष्मी कहते हैं वो प्रसिद्ध है। लक्ष्मी का अभिषेक 2 हाथी करते हैं। वो कमल के आसन पर विराजमान है तथा कमल कोमलता का प्रतीक है। लक्ष्मी के 1 मुख तथा 4 हाथ है। वे 1 लक्ष्य और 4 प्रकृतियां, अतः दूरदर्शिता, दृढ़ संकल्प, श्रमशीलता एवं व्यवस्था शक्ति के प्रतीक है। उनके 2 हाथों में कमल होना सौंदर्य एवं प्रामाणिकता का प्रतीक है। उनके दान मुद्रा से उदारता तथा आशीर्वाद का बोध होता है। लक्ष्मी देवी का वाहन उल्लू है, जो निर्भीकता एवं रात्रि में भी देखने की क्षमता का प्रतीक है। लक्ष्मी देवी कोमलता और सुंदरता सुव्यवस्था में ही सन्निहित रहती है। इसके अतिरिक्त इनका एक नाम कमल भी है। इसी को संक्षेप में कला कहते हैं। वस्तुओं को, संपदाओं को सुनियोजित रीति से सदुष्य के लिए सदुपयोग करना, उसे परिश्रम एवं मनोयोग के साथ नीति और न्याय की मर्यादा में रहकर उपार्जित करना भी कला के अंतर्गत आता है। उपार्जन अभिवर्धन में कुशल होना श्री तत्व के अनुग्रह का पूर्वार्ध है तथा उत्तरार्ध वह है जिसमें एक पाय का भी अपव्यय नहीं किया जाता है। श्री विद्या के यंत्र को श्री यंत्र या श्री चक्र कहते हैं। श्री यंत्र को यंत्रराज, यंत्र शिरोमणि, षोडशी यंत्र व देवद्वार भी कहा गया है। श्री यंत्र में देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति तथा विकास का प्रतीक होने के साथ साथ मानव शरीर का भी द्योतक है। श्री शब्द का अर्थ लक्ष्मी, सरस्वती, शोभा, संपदा तथा विभूति होता है। ये यंत्र श्री विद्या से संबंध रखता है। श्री विद्या का अर्थ साधक को लक्ष्मी, संपदा तथा हर प्रकार की श्री देने वाली विद्या को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त श्री चक्र पराशक्ति का ब्रह्मांडीय उत्सर्जन है तथा पृथ्वी उनके उत्सर्जन में से एक है। दूसरे शब्दों में श्री चक्र पराशक्ति का लौकिक रूप है। ऐसा कहा जाता है कि श्री चक्र में शिव और शक्ति दोनों की उपस्थिति का एहसास होना चाहिए। इसमें नीचे की ओर 5 त्रिभुज तथा ऊपर की ओर 4 त्रिभुज होते हैं। 5 अधोमुखी त्रिभुज स्त्री पहलू है और 4 ऊपर की ओर मुख वाले त्रिकोण पुरुष पहलू है।
पांच अधोमुखी त्रिभुज रचनात्मक ऊर्जा के रूप में जाने जाते हैं तथा चार ऊर्ध्वमुखी त्रिभुज अग्नि ऊर्जा कहलाते हैं जो विनाश करने में सक्षम है।